2022 चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद लगातार उपलब्धियों को लेकर नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कानपुर बीजेपी कार्यालय पहुंची। इस दौरान जेएमडी न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने राज्य मंत्री से विशेष बात की। उत्तर प्रदेश में अब चुनावी संघ बच चुका है। इसके बाद भाजपा की उपलब्धियों को बताने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हमारे साथ में, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आज आपने प्रेस वार्ता करी है, तो क्या कुछ आपने उपलब्धियां बताई हैं? देखिए, मुझे लग रहा है हमारी जो सरकार की उपलब्धियाँ जनता को दिख रही हैं, ठीक है ना। आवास लोगों का दिख रहा है, गैस सिलेंडर लोगों को दिख रहा है, किसानों के खातों में पैसा जा रहा है वो दिख रहा है, सड़कें जो बनी वो जनता को दिख रही हैं, कॉरिडोर जो बन रहे हैं वो दिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि कई बार लोग भूलते हैं, तो भूलने वालों को थोड़ो जो हमारे ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उनको बताने के लिए हमें प्रेस करनी पड़ती है। जनता तो जानती है, और जनता मोदी जी के साथ आज भी है, योगी जी के साथ आज भी है, लेकिन उन लोगों को बताने कितनी सीटें 300 के पार। कानपुर की बात करी जाए तो 3 सीटें जो रही हैं वो सपा के खाते में रही हैं, 1 कांग्रेस के खाते में रही है, तो क्या लगता है उसमें क्या कुछ नया बदलाव करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी सारी सीटें, और दम से जीतेगी, काम के बल पर जीतेंगे। इस बार क्या एजेंडा है? एजेंडा हमारा एक ही है, विकास, देश की जनता का विकास। जब देश की जनता विकास, गाँव के गरीब आदमी का विकास होता है। अब मैं एक आपसे आपको जवाब देना चाहती हूँ। एक आदमी है जिसके पास लकड़ी भी नहीं थी, घर भी नहीं था, खाना भी नहीं था, अब उसको घर मिल गया, घर बनाने की चिंता ख़त्म, गैस सिलेंडर मिल गया, लकड़ी व्यवस्था करने की चिंता ख़त्म, राशन मिल गया, उसको राशन व्यवस्था करने की चिंता ख़त्म। अब वो अपने बच्चों को पढ़ा तो सकेगा कम से कम, जो रोज़ दूध पानी लकड़ी में लगा रहता था। तो हमने काम किया है, और मैं उस विभाग की मंत्री हूँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय मेरा, जिसमें हम लोगों को आवाज दे रहे हैं, मनरेगा मेरे पास जिनको हम आवाज काम दे रहे हैं। समूह की बहनें आज बड़ी तादाद में, आपने देखा प्रयागराज में सिर्फ समूह की बहनें थी जो 2.5 लाख के ऊपर बहनें पहुँची थी, आज वो सक्षम हो रही हैं। आज हम उन किसानों की बात करें, मैं बुंदेलखंड से भी ताल्लुकात रखती हूँ, बुंदेलखंड का किसान आए दिन आत्महत्या करता था कर्ज के कारण। योगी जी को बधाई देती हूँ कि सरकार बनते पहले कर्जा माफ़ किया, और मोदी जी को इसलिए बधाई देती हूँ कि दोबारा किसान कर्जदार ना हो, उसको खाद के समय 2000 रुपया, जोताई के समय 2000 रुपया, और बीज के समय 2000 रुपया, नहीं साल में 6000 रुपया दे करके उनको खुशहाल बनाया। बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता रहता था। बुंदेलखंड, मुझे लग रहा है पूरे इंडिया में बुंदेलखंड और महाराष्ट्र का विदर्भ जिला, ये दो प्रदेश क्षेत्र ऐसे थे चर्चा का विषय रहते थे। अब विदर्भ जिले में चर्चा ख़त्म, क्योंकि वहाँ भी काम हो गया। बुंदेलखंड में जितनी भी परियोजनाएं पड़ी हुई थी सिंचाई की, चाहे अर्जुन बांध हो, चाहे चिल्ली बांध हो, चाहे कितने भी बांध हो, सारे चालू हो गए। आज आप जाएंगे महोबा में तो पूरे तालाब लबालब मिलेंगे, केन और बेतवा को जोड़ने का काम हो रहा है। आज बुंदेलखंड का किसान खुशहाल है। तो ये थी हमारे साथ साध्वी निरंजन ज्योति जी, जिनका कहना है कि काम के बल पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कानपुर से कैमरा पर्सन श्याम के साथ सारिका गुप्ता, जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews.